सेट पार्ट टू चैप्टर टू यादृच्छिक चल और असत संभावना वितरण, ठीक है। 2020-21 के लिए ये वर्ड असत संभावना वितरण कैंसिल कर दिया गया है ओमी टेस्ट बार के लिए, ठीक है। तो अपने को पढ़ना है यादृच्छिक चल और साथ के साथ में द्विपद संभावना वितरण। असत संभावना वितरण की जगह पर उनको क्या पढ़ना है, द्विपद संभावना वितरण। एमसीक्यू इस चैप्टर में से कितने आने वाले हैं, चार, यानी कि दो एमसीक्यू दो सेक्शन बी की जैसे, चार एमसीक्यू और दो सेक्शन बी, छः मार्क का थियरी में से तुम्हारा शॉर्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में बनेगा। अब आगे चलते हैं, तो स्टार्टिंग है इसकी चैप्टर की क्या है, यादृच्छिक चल। चैप्टर का जो नाम है वो ही है कि यादृच्छिक चल। तो यादृच्छिक चल होता क्या है, तो ऐसा कोई भी चल जो U के प्रत्येक घटक को वास्तविक संख्या के साथ जोड़ सकता हो, ऐसा कोई भी घटक जो U के किसी भी घटक को वास्तविक संख्या के साथ में जोड़ सकता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक चल। उसकी व्याख्या हम देखेंगे, तो लिखा है U के प्रत्येक घटक को वास्तविक संख्या के साथ जोड़ते फलन को क्या बोलते हैं, यादृच्छिक चल कहते हैं। U के प्रत्येक घटक को वास्तविक संख्या के साथ जोड़ते फलन को यादृच्छिक चल कहते हैं, जिसे संकेत में x के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, x के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं कि u पर आधारित निर्देश अवकाश, u पर आधारित यादृच्छिक चल x को संकेत में x u, फिर यहाँ ये जो डैश करके हमको एरो करके r लिखा हुआ है, इस r की जगह पर हमको खाली जगह दी जाती है और उसके बाद में ऑप्शन में दिया जाता है n यानी कि नेचुरल नंबर, z यानी कि पूर्णांक नंबर, R यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, और दूसरा कोई भी ऑप्शन दे सकता है जैसे कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा है, तो हमको ध्यान रखना है कि जब भी हमको यादृच्छिक चल एक्स के बारे में पूछे तो वो क्या इसको बिलोंग करेगा, R यानी कि रियल नंबर्स को, किसको, रियल नंबर्स को, जो रियल नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यादृच्छिक चल के दो प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, सतत यादृच्छिक चल और असतत यादृच्छिक चल, ठीक है। तो उसमें से हम पहले असतत यादृच्छिक चल के बारे में पढ़ेंगे। तो असतत यादृच्छिक चल होता क्या है, तो देखो यहाँ पर हमको लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पर, यदि यादृच्छिक चल x वास्तविक संख्या समुच्च R के शांत संख्या में निश्चित संख्या में यानी कि गण्य जिसको गिना जा सके ऐसी संख्या का कोई भी मूल्य धारण करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, असतत। जिसको हम गिना जा सके ऐसी कोई भी संख्या का मूल्य धारण कर सकता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सतत यादृच्छिक चल। क्या बोलेंगे, सतत यादृच्छिक चल, ध्यान रखना हमको इस बात को। उसके लिए उदाहरण क्या है, तो देखो यहाँ दो उदाहरण दिए हैं, ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा सेक्शन बी के अंदर तो ये उदाहरण के साथ ही पूछेगा कि इसकी असतत यादृच्छिक चल अर्थात क्या, उसकी व्याख्या दीजिए। तो व्याख्या हमने ऊपर देखी है, उसके बाद दो उदाहरण है साथ में। तो यादृच्छिक रूप से चयन किए गए विद्यार्थियों का जन्म का वर्ष, अचानक से रैंडमली हम कोई विद्यार्थियों का चुनाव करते हैं पांच का और उनका जन्म का वर्ष पूछते हैं, तो वो अलग अलग हो सकता है, तो जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, असतत यादृच्छिक चल। हमको उसको गिन तो सकते ही हैं। छः अंडों वाले एक बॉक्स में टूटे हुए अंडों की संख्या, हमको पता है कि अंडे कितने एक बॉक्स के अंदर, छः ही हैं, और उसमें टूटे हुए अंडे तो आराम से गिन सकते क्योंकि टोटल ही छः हैं, तो उसमें टूटे हुए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, छः के छः या तो एक भी नहीं, ऐसा हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ हो सकता नहीं, तो छः को हम आराम से गिन सकते हैं। तो असतत यादृच्छिक चल हमको ये क्या होता है, गण यानी कि शांत संख्या में प्रदर्शित करता है, किसमें, शांत यानी जिसको गिना जा सके ऐसा निश्चित। नेक्स्ट अब है हमारे पास सतत यादृच्छिक चल। सतत यादृच्छिक चल की व्याख्या, तो सतत यादृच्छिक चल एक्स वास्तविक संख्या समुच्चय में आर अथवा आर के किसी अंतराल में किसी भी मूल्य को धारण कर सकता है, अंतराल में भी ये हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सतत। जैसे कि एक 250 ml के आकार वाले कॉफ़ी के कप में भरी हुई कॉफ़ी की वास्तविक माप कितनी है, वो देखो 250 ml का एक कॉफ़ी का कप है, उसके अंदर अलग अलग लेवल पर लगे होते हैं, जैसे कि 100 ml, उसके बाद में या फिर 50 ml के ऊपर साइंस लगे होते हैं, चिन्ह लगे होते हैं, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml और 250 ml, ठीक है। तो इस तरह के, तो उसमें हम बता सकते हैं कि जो कॉफ़ी का माप है वो 200 से 250 के बीच में है, या 200 से 300 के बीच में है, या 50 से 100 के बीच में है, तो कितना है वो ml, इस तरह से उसको एक सतत याद यानी कि क्रम में बता सकते हैं, 200 से 250, 10 से 20, 100 से 20।
तो बहुमंजिला ऑफिस की बिल्डिंग में किसी एक मंजिल पर लिफ्ट के लिए प्रतीक्षा का समय, कोई हम बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग में खड़े हैं, नीचे लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगी तो कितने सेकंड में प्रतीक्षा का समय कितना लगेगा, तो वो हम यहाँ जान सकते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, सतत यादृच्छिक चल का एग्जाम्पल होगा। अब आगे के लिए देखो, यहाँ पर असतत संभावना वितरण है जो कि हमको कोर्स से कैंसिल किया गया है, उसके बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। बाकी एग्जाम में ओल्ड कोर्स में यानी कि 2020 जनरल कोर्स में इसको गिना जाता था और इम्पोर्टेंट भी था वो। अब हम डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट बर्नौली पत्र पेज नंबर 80 पर, द्विपद संभावना वितरण पर। द्विपद यानी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रयोग है बर्नौली का प्रयत्न। द्विपद के अंदर हमको ध्यान रखना है कि कम से कम उसके विकल्प होने चाहिए दो। खास माना कि एक द्विविध विकल्प वाले यादृच्छिक प्रयोग के दो संभावित परिणाम, सफलता और निष्फलता, को भी हमने प्रयोग किया उसके दो परिणाम हो सकते हैं, क्या हो सकता है, सफलता और दूसरा निष्फलता है। यदि इस प्रयोग का समान परिस्थिति के अधीन पुनरावर्तन किया जाए, यानी कि एक ही परिस्थिति के अंदर उसका बार बार उसको पुनरावर्तन किया जाए, तो प्रत्येक प्रयत्न पर सफलता की संभावना अचल हो, तो ऐसे प्रयत्न को हम क्या कहेंगे, बर्नौली प्रयत्न कहेंगे। सेक्शन बी के अंदर एक मार्क में पूछा जा सकता है, और या फिर इसके साथ में गुणधर्म है, तीन या दो गुणधर्म या तीन गुणधर्म एक या दो मार्क में पूछे जा सकते हैं। तो प्रत्येक बर्नौली प्रयत्न पर मिलती सफलता की संभावना कैसी होती है, अचल। देखो उसकी व्याख्या से स्पष्ट होता है कि उसकी संभावना कैसी होती है, सफलता की संभावना अचल होती है। कैसी होती है, अचल होती है। बर्नौली प्रयत्न परस्पर निरपेक्ष, यानी इनको किसी भी दूसरी चीज़ के ऊपर से आधार पड़ना, जैसे सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने के बाद में सफलता इस पर हेड और टेल में से कौन सा मिलेगा, उसके लिए पहले से ही पता होगा कि सफलता की संभावना हर बार कैसी रहेगी, एक जैसी, तो ही बर्नौली प्रयत्न होगा, अदरवाइज नहीं। सफलता और निष्फलता दोनों निवारक और निशेष घटनाएं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड है, पी और क्यू, और पी जितना होगा तो क्यू को वन में से माइनस करेंगे, ठीक है। आगे अब द्विपद संभावना वितरण के कुछ गुणधर्म है, तो इनको खास हमको पढ़ लेना है, इसमें से हमको कम से कम तीन या चार क्वेश्चन मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी, या तो इनके ऊपर से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आंसर। तो पहली व्याख्या, पहला गुणधर्म है इसका, द्विपद वितरण ये किस प्रकार का वितरण है, असतत वितरण है। कैसा है ये, इससे हमने एक चैप्टर पढ़ा था पीछे, क्या था, सतत, कौन सा था, प्रामाण्य वितरण, ये है सतत वितरण है, और ये कौन सा है, द्विपद वितरण है। दोनों में मिक्स कन्फ्यूजन ना हो ये ध्यान रखना, द्विपद वितरण यह असतत वितरण है, उसके प्राचल n और p हैं, उसके प्राचल क्या हैं, n और p इसके प्राचल हैं। उसके बाद में इस वितरण का माध्य क्या है, np है, इस वितरण का माध्य, माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, np, ठीक है। और इस वितरण का विचरण क्या होता है, npq, npq क्या होता है, इस वितरण का विचरण हो जाएगा, यानी कि s स्क्वायर जिसको हम कहेंगे, और परमाप विचलन उसका रूट कर दोगे, तो किसी भी उसके अंदर परमाप विचलन निकालना हो तो विचरण का रूट करो, तुमको क्या मिल जाएगा, npq का रूट करोगे तो परमाप विचलन मिल जाएगा द्विपद वितरण के अंदर। द्विपद वितरण में हमेशा माध्य का मूल्य विचरण की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, माध्य का मूल्य वो विचरण की अपेक्षा कैसा होगा, हमेशा बड़ा होगा। इसलिए क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, npq यानी कि विचरण बटे में np, तो इसके द्वारा हमको क्या मिल सकती है, निष्फलता की संभावना मिल सकती है, क्योंकि npq बटे np करने से np से np कट हो जाएगा और q बचेगा वो हमारी निष्फलता की संभावना के समान होगा। छठा नंबर का क्वेश्चन है, MCQ के लिए खास आईएमपी छठा सातवां आठवां तीनों में से कोई एक। n के किसी भी मूल्य के लिए p इज लेस देन 1/2, 1/2 यानी 0.5, पी का मान है वो अगर 1/2 यानी कि 0.5 से कम हो तो वितरण की विषमता क्या होगी, धन। अगर p का मान है वो 0.5 यानी कि 1/2 से कम होगा तो विषमता क्या होगी, धन, और अगर वो अधिक हुआ तो विषमता क्या होगी, ऋण, और इक्वल हुआ तो विषमता क्या होगी, शून्य। अगर p बराबर 1/2 आ जाता है या 0.5 आ जाता है तो उसकी वितरण की विषमता क्या हो जाएगी, शून्य होगी, ठीक है। तो इसका ये थियोरेटिकल पोर्शन था, बस इतना ही इसके अंदर थियोरी में है, बाकी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, वो भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है।